नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना बरदाह में नाराज दामाद ने ससुर को तारा मौत के घाट। आगे बात होगी मेरठ की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 किलो गांजे के साथ युवक को दबोचा। अंत में बात होगी उत्तराखंड की, जहां पर्वतीय पत्रकार महासंघ द्वारा मनाया गया हिंदी पत्रकार दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना बरदाह के उद्यावा गांव निवासी उदयराज अपनी बेटी की शादी की थी, वहीं बेटी व दामाद में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, जिसमें कुछ लोगों के बीच बैठक कर बातचीत हुई। मंदिर में लेन देन करने पर किसी बात से खुन्नस खाए दामाद महेंद्र ने ससुर उदयराज को पीट पीट कर मार डाला, जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दामाद की खोजबीन की जा रही है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। रात्रि लगभग 11:30 बजे ग्राम उदयावा थाना बरदाह अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर महेंद्र राजवर व रंगीला इन दोनों ने उदयराज, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उनके ऊपर हमला किया और धारदार हथियार से और इनकी मृत्यु हो गई। महेंद्र जो है वो दामाद है उदय राजभर का। महेंद्र और उसकी पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो गए थे और उदय राजभर ने दोनों के संबंध अलग अलग करने की बात करी थी और मंदिर में जाके पैसे का लेन देन का भी समझौता हो गया था। इस चीज़ से शुभ होकर महेंद्र ने उदय राज पर हमला किया और इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 178/24 धारा अंतर्गत 302 व 34 IPC का कायम किया गया। मौके पर फोर्स तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 7वें आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है, ऐसे में हीट वेव को देखते हुए कैमूर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदान कर्मियों को ORS का घोल और ग्लूकोज दिया जाएगा। साथ ही जो रसोइयाँ हैं हमारे और सेविका सहायिका दीदी हैं, उनसे भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था करा रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर सावन कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। मतदान कर्मियों के लिए हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? हालिया निर्देशानुसार आज जो है हमारे डिस्पैच हुए हैं सभी पोलिंग पार्टी, और उसके लिए प्रत्येक जो हमारे पोलिंग पार्टी है उसको 2-2 ग्लूकोज के डिब्बा और साथ ही साथ जितने पोलिंग पर्सनल है उतने ORS का जो है पैकेट दिया गया है सभी लोगों को। साथ ही साथ उसमें मेडिकल किट भी हम लोगों को दी है, उसमें भी ORS का घोल है और इनके बेहतर चिकित्सा थे तो अगर कई सूचना आती है तो लोगों का मेडिकल टीम भी दे रहा है। सर, हीट वेव के लेकर सर जिला वासियों से क्या अपील रहेगी सर? बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। देखिए, हीट वेव के लेकर जो मैं जिलावासी से अपील है, कृपया अगर बहुत ही आवश्यक है तभी आप धूप से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ये ध्यान रखना, जब भी बाहर निकले आप सर को ढक कर रखें, और कुछ किसी प्रकार का अगर शिकायत आती है आपको सही अशारीरिक फीलता महसूस होती है तुरंत आप जो है हमारे जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने जिला के साथ साथ जो हमारे ब्लॉक स्तरीय हॉस्पिटल है सभी जगह एक डेडिकेटेड हम लोगों ने तैयार किया कक्ष, जहाँ पर 5 से 6 कूलर, आइस पैक, छोटा रेफ्रिजरेटर, उसमें ठंडे पानी का बोतल, ये सभी सुविधाएं रहेंगी और साथ ही साथ मेडिसिन भी रहेंगे। सर, जिला में नियंत्रण कक्ष कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां बता दें कि परतापुर व आसपास के क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करने वाले सरगना को पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र व आसपास के इलाके में गांजे की अवैध बिक्री को रोकने के लिए इंस्पेक्टर परतापुर जयकरण सिंह के निर्देश पर SI अनुज मिश्रा और मनोहर लाल सहित SOG टीम के अनुज चौधरी और सुमित चौधरी गौरव सिंह ने जाल बिछाकर भूट बराल के पास दिल्ली रोड से क्षेत्र में गांजे की सप्लाई करने वाले सरगना प्रमोद निवासी माधोपुरम को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता अनवनीत की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे में सोसाइटी पर खाद लेने पहुंचे किसानों ने खाद से भरे एक ट्रक को गोदाम में पकड़ लिया। इसके बाद किसानों ने हंगामा करते हुए ट्रक का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। किसानों का आरोप था कि उन्हें अभी से खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, हर बार की तरह इस बार भी तपती धूप में लाइन में लगकर खाद का इंतजार करना पड़ रहा है और इधर खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। किसानों द्वारा बनाए गए वीडियो में ट्रक ड्राइवर करण सिंह किसानों से कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला था जिसने अपने आप को सोसाइटी का ऑपरेटर बताया और ट्रक को गोदाम पर लेके आने की बात कही।
जब वो गोदाम पर पहुंचा तो उसे मालूम चला कि गोदाम सरकारी नहीं किसी व्यापारी का है। गाड़ी मेरे पास वीडियो है, क्या बोला था उसने? उसने बोला था हमारे दूसरे गोदाम पे होना, दूसरे गोदाम पे। तो गाड़ी अंदर चली गई थी, रास्ता निकाल रहे थे तुमने? निकाल ले, फिर मैंने भाई कंपनी में फोन लगाया, कंपनी बोले सरकारी नहीं। हमने डीएमओ साहब को फोन लगाया, उन्होंने जानकारी दी कि पूरी गाड़ी यहाँ लग रही है। तुम्हारी यहाँ से गाड़ी बैग गई थी कि नहीं गई? फोन से जो कांच मारता है उसने बैग करवा के सेठ के गोदाम में लगवाई थी। बाबू गोदाम का तो बनिया के गोदाम में लगवाने का क्या फायदा? किसान दर दर भटक रहा है। हम तो अपनी कंपनी को फोन लगाए कि भाई साहब यहाँ गाड़ी को खाली हो रही है। तो फिर वहाँ से वापस कैसे आई फिर गाड़ी? गाड़ी को अपने आप बोलेगा यहाँ नहीं होना, खाली के गोदाम पे जाना। फिर बाद में गाड़ी का मना कर दिया कि यहाँ खाना खाली नहीं होना। कितना कितनी उतर गए इसमें? एक भी नहीं। तो रास्ता खोला डाला है ना पूरा? रास्ता ही खोल पाया। गाड़ी तो कट्टा खाली हो रही थी ना गाड़ी वहीं पे? वैसे तो खाली नहीं लग रहा है। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पर्वतीय पत्रकार महासंघ उत्तराखंड की रुद्रपुर इकाई द्वारा संगोष्ठी एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पाठक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते दौर में आज की पत्रकारिता के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया का अस्तित्व बचाए रखना कठिन होता जा रहा है, खासकर छोटे मझौले समाचार पत्रों को संकट से गुजरना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन नए नए नियम बन रहे हैं। प्रेस नियमावली 2023 के तहत प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय ने जटिल औपचारिकताएं लागू कर दी हैं। इस दौरान पूर्व उपनिदेशक सूचना योगेश मिश्रा ने अपने अनुभव शेयर करते हुए अतीत व वर्तमान पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता के सामने कड़ी चुनौतियाँ हैं। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश महामंत्री उधम सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह, संदीप गायन, अश्वनी सक्सेना, किच्छा गुरमीत कौर आदि जगह से पत्रकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार असलम कोहरा ने किया। मैंने 42 साल की राजकीय सेवा की, सन 80 से 2021 और 3-4 डिपार्टमेंट में काम किया। ग्राम विकास विभाग में मैं रहा 10 साल, सूचना विभाग में 90 से लेकर 2021 तक मैं रहा, दूरदर्शन लखनऊ में मैं रहा, आकाशवाणी रामपुर में मैं रहा और 14 साल इस जिले का जिला सूचना अधिकारी रहा। लोगों ने मेरी शिकायत भी की, किसान उत्तम का गृह जनपद है ये, यहाँ कैसे तैनात है? तो उस पर डीसी खंडूरी मुख्यमंत्री फाइल में लिखा, उन्हें लिखा है कि योगेश मिश्रा वहाँ कोई अपराध नहीं कर रहे, इसलिए ये वहीं रहेंगे। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।